हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्र। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सब सब्सक्राइबर को, सारे व्यूवर्स को, और जिन्होंने भी ये यूट्यूब जर्नी में मेरी मदद की है उसको, क्योंकि मैं 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुका हूं। सो काफी लोग पूछते हैं कि ये यूट्यूब चैनल आप क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, क्या पर्पज है। दोस्तों आपको पता ही है कार जो है ये मेरा पैशन है, तो इसलिए मैं काफी वीडियोस कार के रिलेटेड बनाता हूँ। स्टोरी ऐसी शुरू होती है, एक कस्टमर आता है मेरे शॉप में, उसके कस्टमर की गाड़ी में मैंने चार नए टायर डालने के 15 दिन के बाद में कस्टमर मेरे शॉप में आता है और कहता है कि ये जो टायर आपने जो मेरे गाड़ी में डाला है उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, क्योंकि साइड वॉल जो है वो लीकेज हो रहा है, वहां पे पंचर हो चुके हैं। सो मैंने उनको कन्विंस करने को ट्राई किया कि साइड वॉल ऑफ द टायर नेवर टचेस द ग्राउंड, जो साइड वॉल होता है टायर का वो कभी ग्राउंड पे टच नहीं करता है। सो वहां पे पंचर होने का स्कोप ही नहीं बनता है, वहां पंचर हो ही नहीं सकते। बट ही वॉज सेइंग जो पंचर हुए हैं ये मेरे आंखों के सामने देखे हैं मैंने, ये टायर में ही फॉल्ट है। मैं उनको काफी एक्सप्लेन किया, मैंने उनको इंजीनियर से बात करवाई, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन। मैंने बहुत कन्विंस करने को ट्राई किया उनको कि आपके गाड़ी में जो पंचर बने हैं वो फ्रॉड पंचर है। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन। मेरे यहाँ पे काफी पुराने टायर्स निकलते, तो एक अच्छा टायर था उसमें से वो टायर उनके कार में डाला और उनको कहा कि आप वो पंचर वाले के पास जाइए फिर से और देखो, इसमें हम लोग अभी वीडियो बनाते हैं, इसके अंदर कोई भी पंचर नहीं है और वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, सो वो और पंचर बनाएगा ही बनाएगा उसमें। सो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, इसलिए मैंने कहा कि सर मैं आपके साथ में चलता हूँ, आप देख लीजिए ये फिर से वहां पंचर करेगा। सो दोस्तों वहां से हम लोग एक 15 किलोमीटर दूर वो कस्टमर के साथ में मैं निकला, कस्टमर की गाड़ी वही पंचर वाले के पास लेके गए हम, और उस टायर में हम लोगों ने जो एयर प्रेशर था वो 20-25 रखा था और पंचर वाले ने हमको कहा कि इस टायर में पंचर है, आपको रिपेयर करना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि ठीक है सर आप रिपेयर कर लीजिए, और जो कस्टमर था वो 100 मीटर पहले एक जगह खड़ा था, क्योंकि अगर उसी कस्टमर को अगर वो पंचर वाला देख लेता है सो उसको शक ना होए, बिकॉज ही इज अ हैबिचुअल क्रिमिनल, उसने साइड वॉल में 6 से 7 पंचर फिर से मार दिए। उतनी देर में मैंने कस्टमर को फोन किया, सर आइए आप देखिए, यहाँ पे देखिए पंचर है ये टायर में। कस्टमर आया, उसको भी पंचर वाले ने दिखाया कि देखो आपके टायर पे 6 से 7 पंचर है। सो कस्टमर ने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई और वहां पे कस्टमर उससे बोलने लगा कि आपने मेरे पुराने पहले के टायर पे भी आपने फ्रॉड पंचर किए है, सो मुझे आप पैसे भर के दीजिए उसके। पंचर वाले ने मारा मारी शुरू की, उसके 4-5 लोग आजू बाजू में जमा हो गए, उसने कस्टमर पे हाथ उठाया पुलिस के सामने, और पुलिस वालों ने हमको कहा वहां से आप निकल जाइए, क्योंकि 10-15 लोग जमा हो चुके थे। वहां से हम लोग निकल गए दोस्तों और फिर गए पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जाके हमने कंप्लेंट लिखवाई पंचर वाले के अगेंस्ट में, और वहां से हम लोग निकल गए। सो केस रजिस्टर्ड हो चुका है, FIR हो चुकी थी, FIR लॉग होने के बाद में पुलिस वालों ने उनकी कार्रवाई शुरू की। उसके 5 से 6 महीने के बाद में दोस्तों हमको फोन आता है पुलिस स्टेशन से कि आपके अगेंस्ट में एक पुलिस कंप्लेंट है और आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा। तो मैंने पुलिस ऑफिसर को कहा सर आपकी कोई मिस्टेक है, ये कंप्लेंट हमने लॉक की थी कि इन्होंने फ्रॉड पंचर किए थे, और हमने 100 नंबर पे फोन करके इन्फॉर्म भी किया था। बाद में हमें पता चला पुलिस स्टेशन में जाके जो पंचर वाला था उसके वाइफ ने हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली थी, ये कह के कि हमने उनको छेड़ा। सो हमारे भी एक कंप्लेंट हो चुकी थी, उनके ऊपर भी एक कंप्लेंट, अभी ये मैटर चल रहा था कोर्ट में। कहीं ना कहीं हमने हमारी केस वापस ली, उन्होंने उनकी केस वापस ली, मैटर सॉल्व हुआ। लेकिन मुझे उस दिन लगा कि ये जो इश्यूज है ये खाली ये कस्टमर के साथ में नहीं है, ये हर कस्टमर के साथ में हो रहा है। सो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया मेरे फोन को निकाल के लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि पंचर स्कैम होता क्या है और कैसे टाइप के पंचर्स ये लोग बनाते हैं, क्योंकि काफी टैक्सी वाले लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, काफी गरीब लोग हैं जो कार चलाते हैं और उनके साथ में भी ये हो रहा है। मैं टायर शॉप में रोज ऐसी कंप्लेंट्स देखता हूँ जहाँ पे फ्रॉड पंचर्स हुए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट हुआ, मैं सोचा कि ये चीज सबको बतानी चाहिए। एक फेसबुक पेज था, वो फेसबुक पेज पे मैंने वीडियो को अपलोड किया कैसे पंचर साइड पंचर के फ्रॉड होते हैं, ये वीडियो बनाकर। बाद में मुझे पता चला 3 दिन के बाद में कि जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो वायरल हो चुका था, वो वीडियो को कम से कम तो 800 से 900 लोगों ने शेयर किया था और वो वीडियो पे 1 से 1.5 लाख व्यूज हो चुके थे। सो उतने व्यूज होने के बाद में काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि कीप अपडेटिंग मी ऑन दिस काइंड ऑफ एन इश्यू, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग नॉलेज अबाउट कार्स एंड एवरीथिंग। और कहीं ना कहीं ये दिमाग में मेरे चालू हो गया कि काफी लोग इस चीज को समझना चाहते हैं, इस चीज को सुनना चाहते हैं और डे टू डे लाइफ में उनको कार रिलेटेड काफी प्रॉब्लम आती है। सो उस दिन मैंने सोचा कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो थोड़ा दिन के बाद में सोहेल करके एक मेरे दोस्त है वो मेरे शॉप में आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है क्या, आपने ये वीडियो YouTube पे भी डालना चाहिए। सोहेल ने मुझे कहा कि मुंबई कर निखिल करके एक लड़का है, वो ऐसे ही वीडियो बनाता है,
और उसने काफी अच्छे अच्छे वीडियो दूसरे बनाए थे जिसने मुझे इंस्पायर किया कि YouTube चैनल बनाना चाहिए। सो मेरा कोई ये गोल नहीं था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए या फॉलोअर्स होने चाहिए। मेरा ये गोल था जो भी कस्टमर मेरे शॉप में आते हैं, अभी इंडिविजुअल कस्टमर को मैं हर चीज समझा नहीं सकूंगा, सो मैं वीडियो बना के अपलोड करके सब लोगों को समझाऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं कार में, कैसे सॉल्यूशंस है उसके, कैसे लोग चीट करते हैं, ये सब पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मेरा ये मानना है कि ग्रेट कनेक्शन स्टार्ट्स विद ग्रेट कन्वर्सेशन। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जब भी आप दोस्तों वीडियो पे कमेंट डालते हैं तो मैं ट्राई करता हूं कि उसको रिस्पांस करूं। दोस्तों थोड़े ही दिन में मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगा, आपके कोई भी क्वेरीज है आप लाइव सेशन में आप मुझे बता सकते हो और मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सो जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग एक ग्रेट कन्वर्सेशन कर पाएंगे तो ही हमारा एक ग्रेट कनेक्शन बनेगा। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है क्विक फिक्स इंडिया, सो आप इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा सारे सब्सक्राइबर को, सारे व्यूवर्स को जिन्होंने मुझे ये एक माइलस्टोन पे लाके पहुंचाया है। आई होप आपको अच्छे अच्छे वीडियो और देखने मिलेंगे। मैं काफी अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, काफी अलग अलग टॉपिक पे स्टडी कर रहा हूँ जिसके वीडियो आपको जल्दी ही देखने मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिए उसे भी प्रेस कर लीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा और पहले देखने मिलेंगे। Riders, please wear helmet. Driver, please wear seat belt. Keep the road clean. Keep the road safe. Keep the city clean. Thank you.